हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू रेसिपी एंड लाइफस्टाइल यूट्यूब। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच, मिनी सैंडविच, जो कि हम मिनी ब्रेड से बनाएंगे। बहुत ही झटपट बन के ये रेडी हो जाता है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। सैंडविच बनाने के लिए बहुत ही कम सामान की ज़रूरत होती है, जो कि ये रहा। सैंडविच बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे ब्रेड। तो मैंने ये ब्रेड ले रखा है, उसके बाद मैंने ले रखा है रेड कैप्सिकम, एक मीडियम साइज का टमाटर, येलो कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम, खीरा ले रखा है, प्याज ले रखा है, बारीक कट कर दिया है। अब मेयोनी ले रखी है 2 बड़े चम्मच, फ्रेश क्रीम 2 बड़े चम्मच, काला नमक 1/2 चम्मच। मेयोनी सॉल्टेड होती है तो सॉल्ट हमने कम ही ले रखा है। काली मिर्ची ले रखी 1/2 चम्मच और चिली फ्लेक्स ले रखा 1/2 चम्मच। मेयोनी ये इस तरह का डब्बा आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगा, बड़ा छोटा, या इस तरह की पाउच में भी आता है। 30 रुपये के आसपास आपको ये पाउच मिल जाएगा। और अब हम पिज्ज़ा पास्ता सिजलिंग जो होती है वो भी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम जो चीज़ डालेंगे वो है ज़ीरा पाउडर। मैं मार्केट वाला ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो, अगर आपके पास साबुत ज़ीरा है तो उसी को भून के और पीस के 1/2 चम्मच उसी को ऐड कर दीजिएगा। अब मैंने ये ब्रेड के ब्राउन कॉर्नर जो है वो निकाल लिए हैं और ट्रायंगल शेप में इनको कट कर लिया है। ये छोटे ब्रेड हैं, अगर बड़े ब्रेड रहे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं एक बाउल ले लूँगी और 1 बाय 1 सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, टमाटर, ग्रीन कैप्सिकम, इसी तरह से खीरा भी इसमें ऐड कर दूँगी। और बारीक कट किए हुए प्याज भी ऐड कर दूँगी। इक्वल शेप में मैंने सारे कट कर रखे हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, काला नमक। आप चाहे तो काले नमक की जगह में वाइट नमक भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेश क्रीम। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाना है अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। अब मैंने इसमें मेयोनी ऐड कर दी है, आप चाहे तो ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो। और अब मैं सिजलिंग ऐड कर रही हूँ इसमें, इसमें सारे मसाले एक साथ रहते हैं। और अब मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है तकरीबन 1/2 चम्मच के बराबर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग बन के रेडी हो गई है। सैंडविच बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगता और बहुत ही ज़्यादा यमी होते हैं, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बच्चे वैसे वेजिटेबल नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह से अगर कितना भी वेजिटेबल उनको खिला लो तो वो खा जाते हैं खुशी खुशी। तो ये देखिए, अच्छे से हमने मिक्स इसको कर लिया है। अब हम ब्रेड के एक एक स्लाइस लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा सा ये मिक्सर डाल देंगे। आप चाहे तो ऊपर से आप मेयोनी और ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर चाहिए तो सॉस आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसके ऊपर से रख के और इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा भी मैंने ये स्टफ कर लिया है। तो ये देखिए, इसी तरह से मैं बिल्कुल सिंपल मेथड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके ऊपर से आप मेयोनीज ज़्यादा लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जितना भी आपको पसंद है। अदरवाइज़ इसको सॉस के साथ इंजॉय करिए। ये देखिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और कलरफुल भी रहती है ये, तो इसलिए बच्चों को देख के भी और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा यमी होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही आसान तरीके से ये बन भी जाती है। इसको बनाने में कोई भी हमको टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए, लॉकडाउन स्पेशल ये रेसिपी बेस्ट है, क्योंकि सैंडविच सब लोगों को, मतलब सब लोगों, बच्चों को, सबको ही, बड़े छोटे सबको पसंद होता है। लॉकडाउन में बाहर का खाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, जैसे कि आपको पता ही है। तो इस तरह से सिंपल सी रेसिपी ये अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। कैसे लगी आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो मिलती हूँ आपको एक ऐसी सिंपल सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।